लेकिन सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरे तरफ से प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्थित हैं, आपको हमारे मुख्यमंत्री जी का बात भी सुनना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं त्रिपुरा के बारे, क्योंकि ये नेशनली टेलीकास्ट भी हो रहा है, मैं त्रिपुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन त्रिपुरा के नाम से जाना जाता था। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन त्रिपुरा स्वाधीन ही रहा। ना मुगल ने हमें शिकस्त किया, ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक गहरा सोच है। राजनीति सिर्फ दिखावे से नहीं होता है, एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए। मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने काफी कुछ कहा है। आज त्रिपुरा का एक अलग कल्चर है। आज से 500 साल पहले मेरे ही परदादाओं ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया। हमारे यहां में शंभु चाकमा है, मेरे ग्रैंडफादर ने बुद्ध मंदिर बनाया और त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया। यह त्रिपुरा का एक कल्चर है। आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश है। आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाति भाई, हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है, आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो जो भी कहना है, जो भी करना है, बोल के नहीं करना है, दिल के अंदर मजबूती रखना है। मैंने देखा है कि आज जो चित्त महाराज ने यहां में मंदिर का निर्माण किया है, मैं चित्त महाराज को नमन करता हूं। आई रिस्पेक्ट यू चित्त महाराज जी। मुख्यमंत्री जी भी है यहां में हमारे त्रिपुरा के, उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है। और आपने मुझे एक दरख्वास्त भी की थी कि यहां में त्रिपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए कि आप यहां में एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहां में है और उनका दिल बहुत बड़ा है, हम लोग काउंसिल से, राज्य सरकार से आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए जगह देंगे। और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से भी आपको सहायता करूंगा कि एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, जहां में हमारे जनजाति जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सा अवसर मिले कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। ये मेरा दरख्वास्त है और हम करेंगे। आज के दिन मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है। जो लोग इतना बयान देते हैं वो लोग स्कूल नहीं खोलते, वो लोग अस्पताल नहीं खोलते। और अगर हम अपने नेक्स्ट जेनरेशन को, अपने बच्चे को, अपने मां बाप को अच्छा सा चिकित्सा नहीं दे पाएंगे जनजाति एरियाज में, स्कूल नहीं दे पाएंगे जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो तो उनको कल नौकरी मिले, अगर हम ये सब नहीं दे पाएंगे तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना। अगर करना है तो कीजिए। आज तक मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। चित्तो महाराज जी अगर स्कूल खोल रहे हैं तो यह मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको हेल्प करूं। बयान से नहीं होगा, करना होगा।
यहां में मैंने दो तीन चीज और देखा है। त्रिपुरा का एक जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, आप मां त्रिपुरा सुंदरी को देख लीजिए, हमारा खार्ची होता है, केर होता है, बुइसु होता है, संग्रुमा होता है, हम लोग सब एक संग मिलजुल कर बैठकर खाते हैं। मैंने ये दूसरे जगह में नहीं देखा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं जब हमारे घर में राजबाड़ी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़ के जाता है, सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का। यह हमारा कल्चर है। आज हमारे 14 देवता, जो हमारा 14 देवता है, वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते। स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाता है, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के बारे क्या कर रहे हैं। शक्ति अंदर से आता है, औजार से नहीं आता है शक्ति। और यही बात मैंने हमारे उग्रपंथी को कहा, औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं, लेकिन असली शक्ति अंदर से आता है। और वो शक्ति होता है, आप विचार करें, आप सोचे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हिंसा से कुछ नहीं होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, शिक्षा से कुछ मिलेगा, चिकित्सा से मिलेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और अगर व्यवस्था को बदलना है, तो सबसे पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमियां हैं। आज हमारे अंदर लालच है, आज हम कमजोर क्यों हुए हैं? लालच के लिए, ईगो के लिए जलन है। और अगर हम अपने गरीब भाई बहन जो गांव में रहते हैं, उनके बारे सोच नहीं सकते हैं, तो ये पद, ये पोस्ट, ये सिंहासन पूरा जिंदगी नहीं रहता है, ये मैं जानता हूं, मैंने देखा है। तो हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बारे चिंता करें, उनके लिए हम उनका भविष्य अच्छा बनाए। यहां में हमारे मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे। मैं करूंगा, आपको भी करना होगा, क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हमको सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास अगरतला से भी बाहर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए, मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चाहते हैं। त्रिपुरा में भी अपना बनारस में त्रिपुरा घाट है, ये त्रिपुरा का महाराजा था जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगदान दिया। हम लखीमपुर खेरी से आते हैं, मेरी मां, वहां में भी मंदिर है, वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए, क्योंकि मंदिर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्ति रखकर मंदिर का चलाना क्या मतलब बनता है। मैं चाहता हूं कि आप उनका जिम्मेवारी ले। आज बांग्लादेश में भी हमारे बहुत मंदिर हैं, आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है, मुझे चिंता वहां का भी है। हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वहां में, उनके बारे भी हमें चिंता है। और हमें आने वाले दिन में सोचकर समझकर कुछ कदम लेना चाहिए, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, बंगाली हो, ट्राइबल हो,
चाकमा हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बांग्लादेश में। द आइडिया ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड विथ सबका साथ सबका विश्वास। द आइडिया ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ अ कल्चर ऑफ अ सिविलाइजेशन। अ सिविलाइजेशन कैनॉट बी इक्वेटेड विथ योर डायट। यहां में हम हमारे पुजारी लोग पाठा मांसो खाते हैं, मच्छी खाते हैं, कहीं और में कुछ और होता है। हर हिंदू धर्म में भी बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं। हम लोग मां काली का पूजा करते हैं। मैं जब साउथ इंडिया में जाता हूं वहां में कुछ और है। हिंदू धर्म को आप एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है। इसके लिए तो इतने देवता हैं। जब मैं नेपाल जाता हूं वहां में अलग रकम का एक आयोजन होता है। तो हमें अपना धर्म को समझना चाहिए, उसके बाद हमें समझाना चाहिए। हमेशा क्या होता है, मैंने देखा है विनाशकाल विपरीत बुद्धि। हम खुद तो नहीं समझ पाए लेकिन दूसरे को समझने के लिए हम रास्ता दिखाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे चित्त महाराज को कि मंदिर में आप सबका स्वागत कीजिए। जब मंदिर में हम आएंगे, जब हम मंदिर को देखेंगे, जब भोग सबको मिलेगा, तभी ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा। यह परंपरा है त्रिपुरा का। यहां में जाति जनजाति हम सबको, हम सब ईश्वर का प्रार्थना भी करते हैं और हम सबको शांति का मतलब भी समझना चाहिए। आखिर में मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से आपने मुझे यहां में निमंत्रण दिया, आपने इतना आदर दिया, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आई लव यू। आपने इतना प्यार मुझे जो दिया है, मैं इस मंच में बैठा हूं, ये आपका प्यार है। ये सत्ता का पावर नहीं है, ये आपका प्यार है। और ये मैं समझ सकता हूं, मैं महसूस भी कर सकता हूं। यहां में हमारे जो चांताइज है, होदा है, ओकरा है, चौधरीज है, हमारे जो समाजपति हैं, मैं आपको भी, आप लोगों को बहुत लोग भूल जाते हैं, बुबागरा आपको नहीं भूलेगा, हमेशा आपको आदर करेगा। आप लोगों के लिए ही ये, आप लोगों के लिए ही हम लोग यहां में हैं। हम अपना जड़ को पहचानते हैं। वी नो आर रूट्स, वी नो आर कल्चर, एंड वी विल प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आर कल्चर, बट वी विल नॉट डिस्ट्रॉय अदर पीपल्स लाइव्स। ये मेरे मां बाप ने मुझे समझाया, मेरे मां ने समझाया, मेरे पिताजी ने समझाया कि धर्म को सुरक्षा करो लेकिन किसी के ऊपर आक्रमण मत करो। आपका ताकत, आपका शक्ति अंदर से मिलेगा, औजार से नहीं मिलेगा। यही मैं कहकर सबको बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुंखा। आई लव यू एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। बेलाई नो हम बाय। थैंक यू।